शांति आज की तारीख है ग्यारह पाँच तेईस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे पहले अपने ऊपर रहम करो फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताओ इसीलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो प्रश्न है तुम किस रेश के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे उत्तर है, फॉलो फादर मदर सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो नरक से दिल हटा दो शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय की स्थापना कर रहे हैं जहाँ तुम चैतन्य में राज्य करेंगे धंधा दौरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे गीत बजा है तुम्ही हो माता पिता तुम्हें हो तुमी हो बंधु सखा ही हो धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु नंबर एक देह तथा देह के सर्व संबंध को भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम पर उस पर चलना है नंबर दो है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाप को बाप के ही याद में रहूँगा और बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूँगा सी नो इविल टॉक नो इविल वरदान सतगुरु शिव बाबा का एक शमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटो में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई नशा चढ़ता जाएगा सुनकर सारे विश्व के अंदर हम कोटो में कोई और फिर कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा है जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाले वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है वे चक्कर लगाने वाले नहीं परवाने बन फिदा होने वाले हैं फिदा होना अर्थात मर जाना तो ऐसे जल मरने वाले परवाने हो ना। जलना ही बाप का बनना है जलना अर्थात संपूर्ण पवित्र और परिवर्तन होना स्लोगन है बाबा के मिलन की बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग Or namaste, namaste. Om shanti.